कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी। झारखंड में चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 140 करोड़ की अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और अब सोमवार यानी 21 फरवरी को लालू यादव समेत 38 कन्विक्ट्स को सजा सुना दी गई है। राजद सुप्रीमो को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना भरना होगा। मामले में कुल 37 लोगों को 3-3 साल की सजा पहले से ही हो चुकी है। कोर्ट के फैसले से लालू खेमे में थोड़ी सुकून दिखी। लालू के वकील प्रभात कुमार से ये खास बातचीत सुनिए। अब हम लोग इस आदेश के खिलाफ जो है माननीय उच्च न्यायालय में अपील फाइल करेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें लगेगा, उसके बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का प्रेयर रहेगा उसमें। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का प्रेयर रहेगा सर, ये जब आप बता रहे हैं कि धारा बता रहे हैं सीआरपीसी का कि कंकरेंट सेंटेंस चलता है, तो ये ऑलरेडी 4 केसेस में बेल पे हैं और हाफ ऑफ द टर्म सर्व करने के आधार पे बेल पे हैं, तो काफी लंबा इन्होंने जेल में काटा है, तो इस बार आप लोग कॉन्फिडेंट है कि 2.5 साल अब जो है उनका हो चुका है? जी हाँ, मैंने हमारे हिसाब से जो है 2.5 साल से ऊपर ही जेल में इस केस में रह चुके हैं, तो इस बार जो भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रोसेस में जो समय लगेगा उसके बाद उम्मीद करते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की प्रिविलेज हमको मिलेगी, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हाफ ऑफ द टर्म के आधार पे बेल मिलेगी अगर हम लोग इसको सीधे जी हाँ हाफ सेंटेंस से ज्यादा हो गया इसलिए उम्मीद करते हैं। लालू के वकील हालांकि इस फैसले से सुकून में दिखे क्योंकि उन्हें भरोसा है कि चारा घोटाला के अलग अलग मामलों में जो सजा सुनाई गई है उसकी आधी अवधि लालू ने जेल में काट ली है, लिहाजा हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, यानी इस ग्राउंड पे उन्हें बेल मिल जाएगा। बता दें कि लालू यादव पर कई धाराएं लगाई गई हैं, जैसे 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A, CPC Act 13(1), 13(2). बता दें कि CBI ने इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताई है। हम लोगों तो सजा के लिए कहा ही था जब मैक्सिमम सजा दिया जाए, लेकिन कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं इतना सफिशियंट होगा, तो कोर्ट ने ये सुनाया है। अब जजमेंट देखना है कि किस किस बिंदु पर विचार करके इतना सजा दिया गया है। लालू यादव के डॉक्टर ने बताया कि सजा सुनाए जाने से पहले वो तनाव में थे, आगे क्या कहना है उनका सुनिए। किडनी का प्रॉब्लम तो है ही, सबको जानते ही है, इसके स्पोर्ट में है उनका किडनी, उसके चलते थोड़ा सा उनका शुगर और बीपी फ्लक्चुएट करता है, हालांकि कल तो थोड़ा बीपी पहले से नॉर्मल हुआ है, कल 140/80 था, और शुगर भी करीब फास्टिंग भी थोड़ा कम हुआ है पहले से, जैसे 170-174 आता था, थोड़ा कम होकर 140 के आसपास था, और खाने के बाद करीब 250 के आसपास रहा था, लेकिन स्ट्रेस से थोड़ा सा बढ़ता है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में CBI कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद राजद सुप्रीमो 8वीं बार जेल जाएंगे। इसके पहले वो 7 बार जेल जा चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब लालू यादव गए हैं जेल। तो पहली बार 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था, हालांकि 135 दिन जेल में रहने के बाद वे बाहर आ गए थे। दूसरी बार 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। तीसरी बार 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए जेल गए थे लालू यादव। चौथी बार 28 नवंबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति मामले में 1 दिन के लिए जेल गए थे। पांचवी बार 26 नवंबर 2001 को 23 दिनों के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा था राजद सुप्रीमो को। छठी बार 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। सातवीं बार 23 दिसंबर 2017 को वो जेल गए थे। फिर अप्रैल 2021 में सजा की आधी मियाद पूरी करने के आधार पर उन्हें बेल मिली थी। बता दें कि जो टोटल अवधि लालू यादव ने जेल में काटी है वो लगभग 49 महीने की है। ये खबर हमें फाइल की है रांची से हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।